कुल्लू पुलिस ने जुलाई से दिसंबर में अभी तक कुल 90 किलो से ज़्यादा चरस बरामद की है, जो कि इसी अवधि के दौरान पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा चरस बरामदगी का पीरियड है, क्योंकि इसी पीरियड के दौरान 2009 में 80 किलो चरस बरामद की गई थी। इसी तरह से जुलाई से दिसंबर पीरियड में कुल्लू पुलिस द्वारा हेरोइन की रिकवरी 477 ग्राम पिछले साल हुई थी, और जो इसी पीरियड में 550 ग्राम तकरीबन हेरोइन और चट्टा की रिकवरी की गई है, जिसमें पिछले इसी पीरियड के दौरान 43 लोग गिरफ्तार हुए थे, जो इस बार बढ़कर 57 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। पिछली रात बंजार पुलिस की एक टीम ने पिहली के पास नाका लगाया हुआ था, और उसमें नाकाबंदी और पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया, जिससे उन्होंने 4 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की, और उसके बाद आगामी कार्रवाई उसमें चली हुई है। कुल्लू पुलिस ने चरस और अफीम और सभी प्रकार के नशों के जो सप्लायर्स हैं, मेन जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर टारगेट किया हुआ है, और फाइनली वो जहां तक वो डेस्टिनेशन तक लेकर जा रहे हैं, कस्टमर्स तक लेकर जा रहा है या ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई की है। इसके अलावा कुल्लू पुलिस ने जो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, और जो मेन सप्लायर्स हैं जिन्होंने उससे अवैध संपत्ति, ड्रग्स की वजह से अवैध संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ भी 3 केसेस में कार्रवाई की है, जिसमें करीब 30 लाख रुपए की उनकी अवैध संपत्ति सीज की जा चुकी है। हेरोइन और चिट्टा की जो मेजर सप्लाई है वो दिल्ली से है कुल्लू क्षेत्र में, और इसमें जो लोकल सप्लायर्स थे शुरुआत में उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनसे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि मेजर लिंक्स जो है वो दिल्ली के नाइजीरियन और अन्य विदेशी नागरिकों से जुड़े हुए हैं। जो इस कड़ी में कुल्लू पुलिस की SIU टीम ने 3 नाइजीरियन नेशनल्स को और एक आइवरियन नेशनल को गिरफ्तार किया था, जो इन्हीं सभी मुकदमों में संलिप्त पाए गए थे।